टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो समुदायों के बीच झंडा विवाद के कारण हुई थी झड़पें। रायपुर शिवसेना जिला मीडिया प्रभारी ने की लोगों से बहकावे में न आने की अपील। बता दें कि आज 7 दिसंबर को रायपुर शिवसेना जिला मीडिया प्रभारी आकिब खान ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें सूचना मिली कि बीती रात टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में झंडा विवाद दो गुटों के बीच झड़पों में बदल गई। इस झंडे विवाद के कारण से यहाँ आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर एकता भाईचारे की मिसाल है। यहाँ असामाजिक तत्वों का चोला ओढ़े लोग इसे अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना मिलते ही नज़दीकी थाने में सूचित करने की अपील की, ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके। नमस्कार, आप सभी को हर हर महादेव। मैं मोहम्मद आकिब खान, सूचना जिला मीडिया प्रभारी। जैसे कि कल की घटना मुझे पता चली कि टिकरापारा में दो समुदायों के बीच कुछ झड़प हुई झंडे को लेकर, तो मैं बता दूं कि स्थिति बहुत ही दयनीय और नाजुक है। जैसे कि कोरोना के बाद लोगों को स्थिति सुधारने में बहुत मुश्किल वक्त लगा, उसके बाद कोरोना का ये तीसरा लहर आने वाला है, उसके बाद भी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, उसके बाद भी ऐसे विवाद कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा करते हैं कि कहीं हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। किसी असामाजिक तत्वों के कारण हमारे शहर, हमारे राज्य का सौंदर्य बिगड़ना न चाहिए। रायपुर शहर शुरू से ही एकता की मिसाल रहा है। छोटी मोटी घटनाओं से, इन सब से हमें बच के रहना है। मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी इस घटना में सम्मिलित हो या ऐसी कोई सूचना आपको मिले, तो आप किसी के भड़काव में ना आए। हिंदुस्तान की सुंदरता, राज्य की सुंदरता और शहर की सुंदरता को खराब करने का ये उनका जिम्मा है, ये उनका कारण है। उन्हें कुछ काम नहीं होता, वो किसी धर्म या किसी जाति से जुड़े नहीं रहते, वो किसी किताबों को नहीं पढ़े रहते, ना उन्होंने गीता पढ़ी है ना ही कुरान पढ़ी है। उन्होंने सिर्फ एक असामाजिक तत्व का चोला पहन के रखा हुआ है। जैसे ही घटना का टिकरापारा किया है, उसी स्थिति अभी शहर में उत्पन्न नहीं हुई है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण में ना आए, और ऐसी कोई सूचना आपको मिलती है तो तत्काल आपके समय भी थाने पर उसकी कार्रवाई करें। हम सभी एक साथ होकर, एक साथ जुड़कर इस घटना को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव। जय भवानी, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।